लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज देश भर में लोग बड़ी संख्या में दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझते नजर आ रहे हैं। हार्ट अटैक जैसी घटनाएं उन लोगों में भी देखने को मिल रही है जिनमें पहले कोई लक्षण इसके मौजूद नहीं थे। अब देश के युवा भी इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। भारतीयों में आर्टरी ब्लॉकेज बेहद आम हो चुका है, इसे ठीक करने के लिए अक्सर स्टेंट की जरूरत पड़ती है। आइए डॉक्टर से समझते हैं कि इस क्षेत्र में और किस तरीके की नई तकनीक विकसित की गई है। इंडियन जो है भारतवर्ष के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक के लिए जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, यानी हम वैसे ही प्रोन हैं हार्ट अटैक के लिए। उसके अलावा भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसमें कि हमारी डाइटरी हैबिट्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, हम जंक फूड और फास्ट फूड को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट जो कोविड का कुछ हद तक काफ़ी इसका इफेक्ट रहा है, और हमने कोविड के दौरान भी देखा है कि काफ़ी सारे लोग हार्ट अटैक, ब्रेन और कईयों की पाँव की नसों के अंदर खून के थक्के जम करके उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे कि नाड़ियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक जितने पुराने स्टेंट्स होते थे उसमें मेटल के स्टेंट यूज़ में आते थे, जो कि कुछ तो सिंपल मेटल वाले होते थे, उसी मेटल के ऊपर जब हम ड्रग लगा देते थे तो उसको ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट या हम कहते हैं कि दवाई वाले स्टेंट है वो बात करते हैं उनको वो बोला जाता है। बट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर है कि कुछ स्टेंट ऐसे होते हैं जो कि हम डिप्लॉय करते हैं या लगाते हैं तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे अंदर बॉडी के अंदर से घुलना स्टार्ट कर देते हैं और वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कि हमें काफ़ी सारा एडवांटेज है। सो ये एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है जिसको हम सिंपल वर्ड्स में या लोकल लैंग्वेज में घुलने वाले स्टेंट बोलते हैं। अगर हम घुलने वाले स्टेंट की बात करें तो उनको डिप्लॉय करने के बाद में सपोज कीजिएगा कि पेशेंट को 2-3 साल के बाद में बाईपास की ज़रूरत हो गई, सपोज कीजिएगा किसी और वजह से, तो उस कंडीशन में जहाँ पे स्टेंट लगा हुआ है उसी जगह पे बाईपास का ग्राफ्ट लगा करके और बाईपास की सर्जरी की जा सकती है। धीरे धीरे स्टेंट है जो घुल जाता है तो आर्टरी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका संकुचन है, वो वापस से नॉर्मल वे में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरह से एक एडवांटेज है फ्यूचर बाईपास सर्जरी का, यानी इन स्टेंट को लगाने के बाद में उसी जगह पे भी आराम से बाईपास सर्जरी की जा सकती है।